बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे, और एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे कैसे बनाया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर चुके थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कई टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं जो एल्डिहाइड है। पहला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, तो लेबोरेटरी में फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए ये मेथिल एल्कोहल से बनाते हैं। लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड को मेथिल एल्कोहल से बनाया जाता है। अब ये मेथिल एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इसमें मेथिल एल्कोहल से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क में क्या ले लेते हैं, इसमें मेथिल एल्कोहल, इस फ्लास्क में क्या लेते हैं, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल CH3OH, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल ले लेते हैं, और इसके पश्चात इसमें एक स्टैंड से लगा देते हैं और एक नली के द्वारा इसमें एयर को सप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रिया होगी मेथिल एल्कोहल से, और एक इसमें निकास नली या डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं जिसका संबंध एक ट्यूब से कर देते हैं जिसमें कि प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस होता है, और इस नली का ये जो प्लैटिनाइज एस्बेस्टस की ट्यूब होती है इसको एक निकास नली डिलीवरी ट्यूब के द्वारा कोनिकल फ्लास्क से जोड़ देते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर इस ट्यूब को भी एक स्प्रिट लैम्प की सहायता से गर्म करते हैं, बर्नर या स्प्रिट लैम्प लगा देते हैं, और यहाँ पर फ्लास्क के नीचे वाटर बाथ या जल ऊष्मक लगा देते हैं। ये क्या है, वाटर बाथ या जल ऊष्मक, और इसको नीचे भी स्टैंड के नीचे या बर्नर या स्प्रिट लैम्प लगा देते हैं। अब इस बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को गर्म करते हैं, और इस तरफ भी क्या होता है, ये कोनिकल फ्लास्क में सक्शन पंप या चूसण पंप लगा होता है, सक्शन पंप या चूसण पंप लगा होता है, क्योंकि चूसण पंप के द्वारा वायु तेजी से इधर सक होगी तो इधर से यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करेगी, अगर जो इधर से वायु सक नहीं की जाएगी, इधर से एयर खींची नहीं जाएगी तो यहाँ से वायु अंदर प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है ना, तो वायु यहाँ से अंदर प्रवेश करे, एंट्री करे, इसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर एक सक्शन पंप या चूसण पंप लगाया गया है, इससे वायु किधर खींचेगी तो ये वायु एयर जो है अंदर अपने आप आएगी, इसमें ऑक्सीजन होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, लगभग 20%, तो ये ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर एयर आ जाएगी, मेथिल एल्कोहल इसमें मेथेनॉल भरा हुआ है, ये गर्म होगा तो एयर डायरेक्ट आ करके किस में मिलेगी, इसमें मेथिल एल्कोहल में, तो फिर मेथिल एल्कोहल और ऑक्सीजन ये दोनों किस में जाएंगे, इस ट्यूब में जाएंगे, जिसमें कि ट्यूब में क्या है, प्लैटिनाइज एस्बेस्टस, ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करेगा, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, तो यहाँ पर जब प्लैटिनाइज एस्बेस्टस के संपर्क में मेथिल एल्कोहल और एयर का जो मिक्सचर संपर्क में आएगा तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, मेथिल एल्कोहल ऑक्सीजन प्लैटिनाइज एस्बेस्टस के संपर्क में आएंगे जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड और जल का निर्माण होगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड का विलयन एकत्रित होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड का विलयन क्या होगा इसमें, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड है और जल भी बनता है तो फॉर्मल्डिहाइड का जली विलयन होगा, ये वाटर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के 40% जली विलयन को
क्या कहते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। तो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव मतलब कि इसमें कोई कार्बनिक पदार्थ प्लांट या एनिमल रख दिया जाए तो वो सड़ता गलता नहीं, सड़ने गलने से बचाने के लिए फॉर्मलिन में उसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये फॉर्मलिन बनता है। और अगर जो इससे जल को वाष्पित कर दें, जल को हटा दें, तो फिर यहाँ पर हमको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जली विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर के एयर इसके अंदर पास करते हैं, गर्म करते हैं, और दोनों की वाष्प वेपर, मेथिल अल्कोहल ऑयल की वाष्प किस में जाती है, प्लेटिनाइज एस्बेस्टस की ट्यूब में। ये कैटलिस्ट का काम करता है। और इसके संपर्क में जब मेथिल अल्कोहल और एयर की वेपर आती है, वाष्प आती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और जल का बनता है। तो ये दोनों यहाँ पर आ करके एक कोनिकल फ्लास्क में ग्राही में ये फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन एकत्रित हो जाता है, और इसे कि हम फॉर्मलिन भी कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के जली विलयन को फॉर्मलिन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेल्डिहाइड, अब इसमें मेथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की प्लेटिनाइज एस्बेस्टस में की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और जल बनता है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि क्या है, तो औद्योगिक विधि में भी क्या होता है कि यही रिएक्शन, इसमें मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन की जाए, कराई जाए कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस। तो औद्योगिक स्तर पर जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं तो उसमें यही रिएक्शन, मेथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन उसमें प्लेटिनाइज एस्बेस्टस नहीं लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो औद्योगिक स्तर पर यदि पूछा जाए फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो ये भी क्या होगा, मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन की रिएक्शन या एयर की रिएक्शन कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो क्या बनता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेल्डिहाइड की प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये लेबोरेटरी प्रोसेस और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसके अलावा मेथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेल्डिहाइड और जल प्राप्त होता है। इसी के बाद कैल्शियम फॉर्मेट SCOO का होल्ड बाय CA कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से फॉर्मिक एसिड SCOOH के फॉर्मिक एसिड का मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड से भी क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाती है फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से ये ओजोनीकरण, ओजोनोलिसिस, यह रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ओजोनीकरण या ओजोनोलिसिस में। ओजोनोलिसिस किसका होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, उन्हीं का ओजोनीकरण होता है, अर्थात ओजोन से रिएक्शन होती है। और किसकी प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। तो ये एथिलीन की रिएक्शन ओजोन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये एथिलीन ओजोनाइड प्राप्त होता है, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है, ये दुई बंद है, ये टूट जाते हैं, और ओजोन के तीनों ऑक्सीजन ये कार्बन से इस तरह से पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये एथिलीन ओजोनाइड बन जाता है। और फिर इसको जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं,
तो क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं इस तरह से, ये यहाँ पर ये HCHO, ये HCHO, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। और साथ में ये ऑक्सीजन जल से जुड़ जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्साइड भी प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो फॉर्मेल्डिहाइड होती है वो गैसी होती है और एक इसकी विशिष्ट गंध होती है, गंध होती है और गैसी अवस्था में होता है। अगर जो इसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखा दिया जाए तो ये द्रवित हो जाता है, और द्रवित हो जाएगा लिक्विड में बदल जाएगा तो तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो -21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है वो वाटर, ईथर, अल्कोहल सभी में सोल्यूबल होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जल, ईथर और अल्कोहल सभी में घुलनशील हो जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड को और किन किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया, और लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं प्लेटनेज एस्बेस्टस की प्रेजेंस में तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर प्राप्त करनी है तो भी मेथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की रिएक्शन कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस में कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की बनाने की जो प्रोसेस है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और इसकी काफ़ी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी एक समरी को एक साथ फॉर्मेल्डिहाइड की, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो समरी होती है एक साथ डिस्कस करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है तो इसका डायग्राम फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, और किन किन विधियों द्वारा इसको फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं वो भी आप नोट कर लेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है ना, ये गैसीय अवस्था में होता है, इसकी विशेष प्रकार की गंध होती है, और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको रखा जाए तो द्रवित हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा -21 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जल, ईथर, अल्कोहल सभी में घुल जाता है, ठीक है ना। और इसका जो 40% जलीय विलयन होता है वो फॉर्मेलिन कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को, एक्वस सॉल्यूशन को ही फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन जो होता है इसका उपयोग कार्बनिक सब्सटेंस को, प्लांट एनिमल को सुरक्षित रखने में किया जाता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, लिविंग कंडीशन में नहीं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, लेबोरेटरी प्रोसेस में इसके द्वारा, और किन किन रासायनिक विधियों द्वारा बना सकते हैं, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसकी समरी जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, उसको कल हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, वैसे पढ़ चुके हैं उसी को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, और इसको भी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।